जो डिफरेंस है पीटीआई, पीपीपी और पीएम के मैनिफेस्टो में वो तो बड़ा मिनिमल है, वर्चुअली सारे सेम बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपको और मुझे तो ये पता नहीं है कि हम मैनिफेस्टो तो पढ़ते नहीं है। इनका क्लैश सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्विकेस्ट वे टू पार्लियामेंट कौन सा है, क्विकेस्ट वे टू बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर कौन सा है। हर किसी को जमहूरियत में और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हक है कि वो अपनी आवाज उठाए, पॉलिटिकल कैंपेन करे, इलेक्शन प्रोसेस में खड़ा हो, और कोई गैबी ताकत उसको रोक नहीं सकती। हकीकी जमहूरियत के लिए खड़े हुए क्योंकि आपकी और मेरी बका और सलामती उसी के अंदर है। और इस सब के अंदर हमेशा अल्लाह को याद रखें और स्ट्रगल याद रखें हस अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, इमाम हसन, इमाम हुसैन का, कि वो कभी भी नहीं घबराए थे आगे से जितना मर्जी ताकतवर बंदा खड़ा हो, क्योंकि वो हक पे थे। आज हक ये है कि पाकिस्तान एक जमहूरियत है, उसके अंदर लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए और इलेक्शन फ्री एंड फेयर कंटेस्ट होने चाहिए। और ये इंश्योर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं करना, आर्मी ने नहीं करना, जजेस ने नहीं करना, सियासतदान ने नहीं करना, ये इंश्योर आपने और मैंने करना।